सो वेलकम बैक टू बेस लीला। तो भाई लास्ट वीडियो में मैंने बताया 808 कैसे बनाते हैं, नहीं देखी तो फटाफट आई बटन पे आ रही है जाके देख लो। तो कई लोगों ने बोला ब्रो आपने 808 तो बहुत सही सिखा दी, बट उस पर ग्लाइड्स ऐसे देते हैं, ग्लाइड्स मतलब वो जो ऐसे 808 करती है ग्लाइड सॉन्ग्स में। तो मैंने बोला चलो भाई वीडियो बना देते हैं मस्सी। तो मैंने जो लास्ट टाइम 808 बनाई थी उसमें से मैंने एक 808 उठा ली और वो ये है। ये तो बड़ी सस्ती लग रही है, अब भारी लग रही है लोअर ऑक्टेव पे। और मैंने एक बेसिक ड्रम पैटर्न ले लिया, तो अब मैंने ये अगर इस पे बेसिक से 808 है और मैं अब इस पे सिलेक्ट करूँगा एरिया और कंट्रोल शिफ्ट एम एक मिडी पैटर्न बनाऊँगा। और मैंने स्केल सिलेक्ट कर लिया ए माइनर, कोई भी आप स्केल चूज़ कर सकते हो, मैंने जस्ट रैंडमली ए माइनर चूज़ कर लिया। और अपनी 808 बनाते हैं, इसको हेडफोन और बटन ऑन। पहले एक बेसिक ना मस्त सा पैटर्न बना लेते हैं 808 का जो हमारी बीट के साथ ग्रूव कर रहा हो, और उसके बाद उसमें ग्लाइड्स डालते हैं। अब मैं अगर ना राइट क्लिक करके ना ट्रिपलेट ग्रिड ऑन कर देता हूँ। अब ट्रिपलेट ग्रिड से क्या होगा, जैसे आपको दिख रहा है अभी ये 1 2 3 4 हिस्से हो रखे हैं, मतलब मल्टीपल के टू के मल्टीपल में, बट अगर मैं चाहता हूँ ये 3 के मल्टीपल में हो इतनी स्पेस में, तो राइट क्लिक करके मैं ट्रिपलेट ग्रिड ऑन कर दूँगा। देखो तो अब जो ग्रिड्स है वो 3 के मल्टीपल में है, मतलब ये होगी 6, पहले थे 4 अब थे 6। तो थोड़ा डिफरेंट ग्रूव ट्राई करने के लिए ट्रिपलेट ग्रिड भी ट्राई कर सकते हो अपने सॉन्ग्स में। बड़ा सही लग रहा है। अब इसमें ग्लाइड्स देते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का। तो अब ग्लाइड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ग्लाइड काम कैसे करता है। ग्लाइड का मतलब होता है पिच, जो हमारी पिच होती है ना वो। तो आप मुंह से जब ये साउंड निकालोगे तो आप खुद चेक करो आप पिच चेंज कर रहे हो। इससे क्या होगा, आप कोई भी साउंड जो डिज़ाइन करना चाहते हो ना, पहले अपने थ्रोट से ट्राई करो वो सेम बनाने की, फिर आप सोचो कि आप क्या क्या चेंज कर रहे हो अपने थ्रोट से, फिर उसको ट्राई करो अपने सीरम या फिर कोई भी सिंथेसाइज़र से एम्यूलेट करने की, क्योंकि वही चीज़। तो आपकी साउंड डिज़ाइनिंग की ट्रिक्स ना और बेटर होने लग जाएगी। या फिर कई लोग पूछते हैं ब्रो आप ये साउंड कैसे बना लेते हो, उसको ट्राई करो पहले थ्रोट से निकालना, और फिर थ्रोट जो इसे कर रहा है उसको एम्यूलेट कर दो आप जो सीरम में कर पा रहे हो। तो अब हम जाएंगे सीरम में, इसको खोलेंगे यहाँ पे ऐसे, ये हमारी 808 बनी हुई है ऑलरेडी, और इसमें हिंग वाला तड़के लगा के 808 बना रखी है। जिसको नहीं पता फटाफट लास्ट वीडियो देख लो 808 कैसे बनाते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पिच का ना पिच व्हील है मेरा, इसको मैं ऑटोमेट करूँ, तो मैं क्लिक करूँगा तो देखो वहाँ पे पिच व्हील मेरा बना आ गया। तो अब मैं इसको राइट क्लिक करके ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ब्रो ये 12 क्या लिखा है लेफ्ट साइड में -12। तो ये बेसिकली ना व्हील कितना हमारी पिच को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है वो है। सपोज ये ई नोट है और 12 लिखा हुआ है अभी हमने, तो ई के बाद जो 12th नोट आएगी ना आगे, वहाँ पे जब मैं व्हील को फुल कर दूंगा तो वहाँ पे मेरी साउंड को लेके चले जाएगा ये। और -12 मतलब 12 नोट पीछे। अगर मैं इसको 5 सेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करके 5, तो मतलब अगर मैं ई नोट प्ले कर रहा हूँ तो ई के अगले 5th नोट तक लेके चले जाएगा जब मैं इसको फुल खींच दूंगा। तो बेसिकली उसकी रेंज सिलेक्ट करता है कि ई से कितनी दूर कितनी पास। तो अभी मैं -12 और +12 सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और देखना मैं पिच पर राइट क्लिक करूँगा, इसकी ऑटोमेशन बनाऊँगा और ऑब्जर्व करना। जैसे मैं ऑटोमेशन बनाऊँगा तो पिच को क्या होगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ट्रिपलेट ग्रिड बंद। देखो यहाँ पे जैसे पिच एकदम से ऊपर चली गई। अब
इसमें हर जगह तो ग्लाइड्स नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा। जब कई लोगों को ये स्लाइड्स बनाने आ जाते हैं ना, तो वो हर जगह ये स्लाइड्स भर देते हैं वूं वूं। तो ऐसा मत करना, जहाँ पे भी बीट मांग रही है कि मेरे को वो स्लाइड पिच स्लाइड या फिर वो पिच बेंड से चाहिए, तभी उसको यूज़ करो, हर जगह मत यूज़ करने लग जाओ वो पिच बेंड। तो अब ये तो था हमारा एक तरीका, अब हमारा दूसरा तरीका क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ मैं सारी ऑटोमेशन, इसको कर देते हैं बंद। ये रही हमारी बेसिक 808 जो पहले थी। अब मैं क्या करूँगा, सीरम खोलूँगा और देखो इसमें 1, 2, 3, 4 ये चार ऑप्शन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, और ये काफ़ी पिच बेंड से रिलेटेड है। तो भी मैं नोट प्ले कर रहा हूँ डी शार्प, अब मैं प्ले करता हूँ एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ई और एफ को एक साथ में प्ले करता हूँ, देख रहे बीच में एक वुब सी करने लगी 808, बट वो ठीक इफेक्ट लग रहा है, बट अभी हम वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर मैं ई और एफ सॉरी डी शार्प और एफ साथ में प्ले कर रहा हूँ तो वो दोनों नोट बेस नोट साथ में प्ले हो रही हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि साथ में हो, मेरे को एक के बाद उसमें ग्लाइड मारना है। तो मैं करूँगा मोनो बटन ऑन कर दूँगा, तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने ई प्ले करा और उसके बाद में एफ प्ले कर दिया मैंने, तो ई नोट बंद होगी और अपने आप एफ में वो चेंज हो गया हमारा सीन, मतलब ई नोट अपने आप डाई आउट हो गया और एफ प्ले होने लगी। बट अगर मैं मोनो ऑन नहीं करूँगा तो ई भी प्ले होती रहेगी साथ में एफ भी प्ले होती रहेगी, बट हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमारी बेस जो होती है वो मोनोफोनिक होती है, वो पॉलीफोनिक नहीं होती। तो हमें मोनो, इसको हम ऑन कर देंगे मोनो को। और अब लेगाटो, तो लेगाटो का मतलब पिच बेंड, जो बेसिकली हम ये करते हैं ना, एक सेकंड मैं पोर्ता बढ़ा देता हूँ, ये होता है लेगाटो। अब मैंने बढ़ाया था पोर्ता, अब पोर्ता बेसिकली है पोर्ता मेंटो, मतलब एक नोट से दूसरे नोट में जो ग्लाइड जा रहा है वो कितनी स्पीड में जाए, स्लो जाए या फास्ट जाए। जैसे अब यही मैं टाइम बढ़ा देता हूँ पोर्ता को, कितना ज़्यादा टाइम लग गया, और मैं बिल्कुल कम कर दूंगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिकली पोर्ता क्या है, टाइम जो ले रहा है वो एक नोट से दूसरे नोट में ग्लाइड करने के लिए। अब ऑलवेज़ क्या है, अब ऑलवेज़ है सपोज मैंने डी शार्प नोट प्ले कर रखी है, मैं रिलीज़ बढ़ा देता हूँ, अब मैंने हाथ हटा ली, अभी भी नोट प्ले हो रही थी क्योंकि रिलीज़ ज़्यादा था। बट अब मैं जब डी शार्प से नोट से हाथ हटा चुका हूँ और उसके बाद कोई और नोट हिट कर दूंगा तो उसमें ग्लाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने डी शार्प को पकड़े नहीं रखा। अगर मैं पकड़े रखता और फिर हिट कर देता तो वो ग्लाइड कर जाती, बट अगर मैंने इसे हाथ हटा दिया तो वो ग्लाइड नहीं काम करेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपने हाथ हटा दिया तो भी ग्लाइड काम करे, तो आप ऑलवेज बटन ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने अब ये डी शार्प हिट करा, हाथ हटा लिया, तो देखो ग्लाइड जो थी वो काम करने लग गई, क्योंकि ऑलवेज बटन ऑन था। तो आपको चार बटन तो ईजिली समझ में आ ही गए और क्या रोल प्ले कर रहे हैं ग्लाइड्स के लिए। तो एक मस्त सा ना बना के देखते हैं, मैं अभी ऑलवेज ऑफ करता हूँ, कुछ चाहिए नहीं, पोर्ता सेट कर देता हूँ मैं इतना, और एक मस्त सा इसमें ग्रूव बनाते हैं, बेसिकली मेलेडी बनाते हैं ग्रूव करते हुए। अब मैंने वो वाला मेथड यूज़ करा ना कि मैंने पिच बेंड दी अपनी ऑटोमेशन बना के, तो ये भी बहुत सही तरीका है आपकी पिच बेंड्स देने के लिए, ग्लाइड्स देने के लिए। अब जो मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूँ, दोनों का हाइब्रिड है। लेट्स सपोज मैंने अब ये बना लिया था और मैं इसमें ऑटोमेशन भी दे दूँ तो कैसा लगेगा, कहीं कहीं बीच बीच में। भाई अगर वीडियो पसंद आई है और ये सारे ग्लाइड पिच बेंड समझ में आ गए हैं,
तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, कमेंट में लिख दो अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ समझना चाहते हो। और हमारी वेबसाइट आगे होगी यहाँ पे, हर वीडियो में तो बताऊंगा नहीं अभी वेबसाइट की, फटाफट जाके basila.in गूगल पे लिख लो, सब समझ जाओगे। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि वीडियो देख ली तो आपको आ जाएगा, आप डेली उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 बार करोगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद उसको डेली करते रहोगे तो ठीक है, वो चीज़ आप अप्लाई कर पाओगे अपने म्यूजिक में। फिर 10, 20, 40 एक दो महीने करोगे तो उसमें आप क्रिएटिव चीज़ें कर पाओगे। इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और करते रहना, छोड़ना मत। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।